हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे आकाश अंबानी शेक हैंड विद आरसीबी। क्यों भाई? आईपीएल ऑक्शन 2025 फिक्सिंग है, एमआई आरसीबी ऑक्शन कंट्रोवर्सी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल ऑक्शन में हर टीम के पास 120 करोड़ का बजट होता है। अच्छा। मतलब ऑफिशियली तो यही था। अरे आईपीएल शुरू तो हो जाने देते, आईपीएल ऑक्शन में ही लफड़ा स्टार्ट। विल जैक्स को जैसे ही मुंबई इंडियंस ने बाय किया, भाई साहब बवाल मच गया। पहले आरसीबी फैंस ये शॉक में आ गए कि विल जैक्स के लिए आरटीएम का यूज नहीं किया आरसीबी ने, और बाद में जब आकाश अंबानी गले मिलने लगे जाके आरसीबी वालों से, आरसीबी फैंस का तो खून जलने लगा पेट्रोल माफी। कुछ लोगों का कहना है कि आरसीबी और एमआई के बीच में डील पहले से ही फिक्स हो चुकी थी, क्योंकि जो लास्ट ईयर एमआई के प्लेयर्स थे वो आरसीबी में आ गए और आरसीबी के एमआई में चले गए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एमआई में थे लास्ट ईयर, वो आरसीबी में आ गए इस साल। विल जैक्स आरसीबी में थे लास्ट साल, वो इस साल एमआई में आ गए। इसके अलावा नुवान थुसारा और रोमारियो शेफर्ड भी एमआई से आरसीबी में आ गए। तो सबका डाउट और बढ़ गया कि ये सब जो घमला हुआ है विल जैक्स को लेने के लिए तो नहीं हुआ। विल जैक्स ने आरसीबी के लिए 230 रन मारे थे 8 मैच में, जिसमें की एक सेंचुरी भी थी और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते थे। ऑब्वियसली ये शॉकिंग तो था ही इनकी जगह पे टीम डेविड को लेना। एक बच्चे को बचपन में भाई सिर पे लग गई थी, और वो बच्चा आज ये है। एट 40 जेठालाल चंपकलाल गड़ा गोइंग वंस फॉर आरसीबी, फेयर वार्निंग एट 40 जेठालाल चंपकलाल टू आरसीबी सोल्ड। अभी रिसेंटली केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने ये रिवील किया था कि वेंकटेश अय्यर ने उनसे पहले कह दिया था कि मैं सैड हो जाऊंगा, मुझे आईपीएल ऑक्शन 2025 में नहीं लिया। तो ऐसा सैड होना तो हम भी डिजर्व करते हैं भाई, कि 23 करोड़ दो मुझे वरना मैं सैड हो जाऊंगा। नहीं, मुझे 23 करोड़ दो। पॉइंट ये कि केकेआर की टीम अपने प्लेयर्स को इस तरीके से बैक कर रही है, और वहीं आरसीबी की धनाधन निकाले जा रही है। इन्होंने किसी को भी रिटेन नहीं किया। डेफिनेटली बहुत बुरा लगा था, क्योंकि 8 साल में वहाँ से खेला। मेरे को इस बात का ज़्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मुझे बताया गया। यही चीज़ सिराज ने भी बोली थी। मुझे ये पता था कि मुझे आरसीबी कंपलसरी लेगी, क्योंकि अरुण सर ने मुझे बोला था कि आरसीबी लेगी मुझे। राजस्थान ने केवल 13 साल के प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन में ले लिया, केवल 13 साल। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है राजस्थान के लिए। कौन बोला? 26 साल के लौंडे आईपीएल ऑक्शन देख रहे हैं और 13 साल के आईपीएल खेल रहे हैं। ये कुछ बात होगी ना उसमें। पहले मुझे इसको देख के लगा रियान पराग बाल काट के आ गया, रियान पराग का छोटा भाई लग रहा है, और दोनों सेम टीम में ही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है राजस्थान रॉयल्स की टीम से, इन दोनों को एक ही कमरे में ना ठूस दिया जाए। होटल रूम भर में ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेगी 13 साल में बच्चे को। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का बर्बाद मत कीजिए। रियान पराग से दूर। मेरे को वैभव का एक पुराना वीडियो मिला जो कि 1 साल पुराना है। वही मैंने बताया था ना, लिखा हुआ है 14 ईयर ओल्ड क्रिकेटर। तो उस हिसाब से तो आज इन्हें 15 साल का होना चाहिए। तो रिवर्स एजिंग कहां से होने लगती है? खेल आते आते 12 साल के हो जाए। नहीं, इसमें जो वीडियो डालने वाला है उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि वैभव के फादर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम रेडी है एज टेस्ट कराने के लिए। वो अंडर 19 खेल चुका है और हम किसी से डरते नहीं है। 13, 14, 15 जितने भी साल का है, कितनी बड़ी बात। हम लोग तो उस एज में उल्टी चप्पल ही पहन रहे थे। तुषार देशपांडे को भी ले लिया आरआर ने 6.5 करोड़ में। जिस टाइम तुषार देशपांडे की बिडिंग चल रही थी ना, काव्या बनन फोन पे बात करने लगी किसी से कि गलती से कहीं इस पे बिड ना हो जाए, आरआर को ही लेने दो। काव्या जी रिस्पेक्ट। अर्जुन तेंदुलकर पहली बार में अनसोल्ड हुए, फिर किसी का कॉल आ गया, निकाल के ना सीधा बैट। अरे हाँ, 30 लाख इसको लेना ही भूल गए थे। एंड फाइनली अर्जुन तेंदुलकर सोल्ड।
अर्जुन तेंदुलकर का बढ़िया है भाई, बिना कोडिंग सीखे 30 लाख पर एनम की सैलरी उठा रहा है। अंबानी इसका हर साल लाडला बेटा योजना के तहत 30 लाख हर साल। मजे की बात ये, जब अर्जुन तेंदुलकर सेकंड राउंड में आया ना, तो ऑक्शनर ने एक मिस्टेक कर दी बोलने में। अर्जुन तेंदुलकर है 30 लाख, अर्जुन तेंदुलकर ऑक्शन से पहले ही डाल दिया करो ना अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस में। वो तो शुक्र है अर्जुन तेंदुलकर की बिडिंग के टाइम पे वो टकलू अंकल का ध्यान नहीं था। वो अगर अपने मूड में होते ना, तो अर्जुन तेंदुलकर को 3-4 करोड़ में चिपका देते मुंबई इंडियंस को, और फिर वही कोमालिका वाले स्माइल देते। खैर दोस्तों, मलिका जी तो जा चुकी है आईपीएल ऑक्शन करवा के, पर हमें ये नहीं बता गई कि 6 दिसंबर तक अब करना क्या है जिंदगी के साथ। तुम ये सोचो, पाकिस्तान वर्सेस नाइजीरिया का मैच कब हो गया तुम ये सोचोगे? आइवरी कोस्ट नाम की टीम है 7 रन पे ऑल आउट हो गई, और ये ऐसी टीम है ना, इनसे 50 रन भी नहीं बनते कभी। भगवान के लिए मान जाओ, क्यों क्रिकेट की ऐसे सरेआम हत्या कर रहे हो भाई? जो 2-3 डोमेस्टिक के अनसोल्ड प्लेयर थे आईपीएल ऑक्शन से, वो पहुंचाओ यार कोई इस कंट्री में, कम से कम 120 रन तो बनाए। पैदाइशी चुमती हो या फिर आरसीबी में आकर हो जाते हो, मैंने बोला ना भाइयों, आपका आईक्यू माइनस में होना चाहिए, एक अलग से कोर्स करा हुआ होना चाहिए, तब जाके आप आरसीबी की चीजें समझ पाओगे। चिंता मत करो आकाश भाई, किसी को डाउट नहीं होने देंगे। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बटलर, यूजी भाई, ट्रेंट बोल्ट, तीनों मेन प्लेयर चले गए। सेम सेम, नो डिफरेंस, माय आंसर इज आल्सो द सेम। वैभव सूर्यवंशी विद थाला। भाई कितने हरामी जनता है यार। पीकेएल, हु पुट डेविड वार्नर्स नेम फॉर एक्सेलरेटेड ऑक्शन। भाई तुमने अगर नोटिस किया होगा, वार्नर पहले अनसोल्ड गया, फिर किसी ने बोला कि हम इंटरेस्टेड है, तो उसको ऑक्शन में फिर से, वो जो सेकंड वाला होता है उसमें फिर से राउंड में लाया गया, और फिर से नहीं खरीदा, तो कि काव्या जी का हाथ था। अर्जुन तेंदुलकर, पृथ्वी शॉ, अर्जुन भाई केवल इंस्टाग्राम स्टोरी डालने से कुछ नहीं होगा, लाडला बेटा योजना में इनको भी शामिल करवाओ। मुंबई इंडियंस आफ्टर बाइंग अर्जुन तेंदुलकर, 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? ब्रो तू अपने करियर की टेंशन ले, तेरा तो बाप भी गरीब है। अर्जुन भाई ऐसा ये कोई बात ही बोलने की, माइक मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये मैंने बोला था ना भाई, बहुत गंदे गंदे इशारा कर रहा था, काव्या मरण प्रिटी जिंटा तो ऐसे कर ली थी, ना 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 हमसे ना देखा जाएगा। मुकेश अंबानी, अरे बॉसी वाले अर्जुन तेंदुलकर को टीम में ले लो, सचिन पाजी का फोन आया, मीडिया मीडिया बैट का ग्रिप कुछ तो कर रहे हैं। बुमराह चार, ट्रेंट बोल्ट, व्हेन हार्दिक पांड्या टेक्स द फर्स्ट ओवर फॉर मुंबई इंडियंस, ये चीज तो डेफिनेटली हो भी सकती है। हार्दिक भाई का कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर है, वो आ जाएंगे पहला ओवर डालने। नीता अंबानी, व्हेन आकाश कंप्लीट्स अ परचेज फॉर एनी प्लेयर, वाओ आदि यू आर सो क्लेवर, अ प्लेयर परफॉर्म्स वेल फॉर आरसीबी मैनेजमेंट इन ऑक्शन, तेरा काम हो गया, तू जा। आरसीबी कभी गलती से एक अच्छा प्लेयर ले लेती है ना, तो अपनी मिस्टेक तुरंत सुधार लेती है भाई अगले साल। आरसीबी फैंस एनालाइजिंग, पता है हम मैच कहां हारे इन तीनों चुमतियों के चक्कर में। Am I thanking RCB for not using RTM? RCB who only wants to win heart. Same energy bro. खैर भाई तुम केवल हार्ट मत जीतो, मुझे ये बताओ कि भैया स्टेक पर प्रेडिक्शन किस। भैया आरसीबी की तो भर भर के रोस्टिंग हो रही है, सब यही सो बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ सुन के बोलते हैं। वो यही बोल रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से इस बारी ऑक्शन की में लोगों को लिया है, और ऐसा बेतुका उनका लॉजिक लग रहा है कि ऐसे लगता है कि अपना दिमाग निकाल के रख दो और फिर ये ऑक्शन देखो। और क्या सच्ची में जब ऑक्शन हो रहा था और ये अर्जुन तेंदुलकर का हुआ, तो किसी का फोन आया था क्या? और फिर क्या मुंबई ने लिया है उसको, फोन आने के बाद मुंबई ने लिया है? और क्या उसने, वो जो बोल रही थी ऑक्शन, क्या उसने गलती से मुंबई तेंदुलकर ऐसे करके कुछ बोल दिया था जिससे शक हुआ? भैया ये कंफर्म करना, क्योंकि अगर वाकई ये हुआ तो भैया इसका मतलब पहले से ही सबने एक दूसरे के साथ जो होता है उन्होंने कुछ किया होता है, कि डीलिंग की होती है कि हम इसको छोड़ेंगे तुम ले लेना, तुम इसको छोड़ देना उसके बदले में हम उसको ले लेंगे, ताकि अदला बदली हो सके। कहीं जाके देखना चाहिए कि आरसीबी के फैंस अब कम हो गए हैं क्या? नहीं, आरसीबी के पता लगे फैंस ही कम होने लग गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इन्होंने बड़ा बहुत बड़ी मिस्टेक की। नहीं, पर हमने वो इंटरव्यू देखी थी ना, आरसीबी की थी ना, वो तो बड़े खुश था कि भैया जो हमने सोचा था हमने तो वही वो उसी को लिया। वो कौन सा था फिर? लखनऊ था शायद। अच्छा हाँ, वो तो लखनऊ था, पंत का था। कंफ्यूजन हो रहा है, सबने ऐसे ऐसे कमाल किए कि समझ ही नहीं आता किसने क्यों क्या कैसे किया है। पर दिस वॉज अमेजिंग, मोस्ट ऑफ द मीम्स जो थी वो आरसीबी के ऊपर थी, और ऐसी ऐसी मीम्स थी कि देख के हंसी नहीं रोक रही थी। कुछ लफड़ा कर दिया है, अब रिजल्ट नजर आएगा। चलो अब कुछ नहीं, अब तो पता चलेगा। अब क्रिकेट वालों के लिए ये हो रहा है कि भैया अब हम छह दिसंबर को नेक्स्ट होगा ना मैच, तो भैया वो उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, 6 दिसंबर तक कोई नहीं है। नशा तो है, नशा है।
बीच में गैप आ गया. तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.